हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विजय पर। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसके कुछ फंडामेंटल फार्मूले विद एग्जांपल हम डिस्कस किए थे। बचे हुए इंटीग्रेशन के जो भी फंडामेंटल फार्मूले फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पे आज कम्प्लीट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने चार फंडामेंटल फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लिए स्टडी किए थे, उन पे एग्जांपल हमने शो किए थे। आप देखें यहाँ पे फिफ्थ फार्मूला जो ऑलरेडी उन एग्जांपल में डिस्कस मैं कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। c इंटू एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे c क्या है, कॉन्स्टेंट। तो उसने बताया c कॉन्स्टेंट एज इट इज, x की पावर n का इंटीग्रेशन, और x की पावर n का इंटीग्रेशन फर्स्ट फार्मूला लिखा था x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी एक पावर बढ़ानी है, नई पावर से डिवाइड कर देना है। तो इस पे एग्जांपल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप देख सकते हैं फिर से उस वीडियो को। देखिए अगले फार्मूले पे चलते हैं, छठा फार्मूला x की पावर माइनस 1, जहां पे मैंने पहला फार्मूला लिखा था x की पावर n का इंटीग्रेशन, वहां पे मैंने बताया था ये फार्मूला इंटीग्रेशन के लिए होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहां पे बताया था n नॉट इक्वल टू माइनस 1, यानी ये फार्मूला n की माइनस 1 वैल्यू के लिए कभी वैलिड नहीं होगा। n की माइनस वैल्यू को छोड़कर जो भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है n, उसके लिए फार्मूला लगेगा। जब n इक्वल टू माइनस 1 आ जाए तो वो एग्जांपल यहां पे है, ये छठा फार्मूला x की पावर माइनस 1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x एक तरह से, ठीक है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है log ऑफ x, ठीक है। तो इस 1 अपॉन x या x की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉगरिथम ऑफ x, ठीक है। और ये लॉगरिथम भी दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि एक लॉगरिथम जो नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसका बेस एक्सपोनेंशियल e होता है वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। एक हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं 0 से 9 डिजिट 10 जो डिजिट होते हैं उसमें लॉगरिथम का बेस 10 हो उसको हम डेसिमल लॉगरिथम कहते हैं। नेचुरल लॉगरिथम लॉगरिथम टू द बेस e को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 2.302 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन या x की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x टू द बेस e। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इन पे कोई एग्जांपल, इस पे एग्जांपल हम कर चुके हैं, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद ही करना है। अगले फार्मूले पे बढ़ते हैं, सातवां e टू द पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा। देखिए इसमें ऐसा हो सकता है, अगर मैं सातवें फार्मूले के लिए एग्जांपल लेता हूं, आपको दिया गया है e टू द पावर x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर जितनी भी है वो पहले उसका इंटीग्रेशन सेम एज इट इज, जैसे यहां e की पावर x तो उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x, लेकिन यहां पे e टू द पावर x स्क्वायर है तो e टू द पावर x स्क्वायर, और ये जो x स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में याद हो आपको पावर आगे लेके आएंगे और एक पावर लेस कर देंगे, 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन सेवंथ फार्मूले के लिए आप याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, 8th e टू द पावर a x इसका इंटीग्रेशन, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, e टू द पावर a x का इंटीग्रेशन e टू द पावर a x, और वही अपॉन में आया हुआ है a x का डिफरेंशिएशन। देखिए आठवीं के लिए मैं अगर इसको शोल्व करके बताऊं तो e टू द पावर a x का इंटीग्रेशन e की पावर जितनी भी हो वो एज इट इज उतना इंटीग्रेशन आना है, और उसकी जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आना है, ठीक है। तो ये देखिए e टू द पावर a x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ a x, यानी ये जो पावर थी इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पे a कांस्टेंट है, एज इट इज x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, तो a into 1 क्या रहेगा, a ही रहेगा, तो वही लिखा हुआ है यहां पे e टू द पावर a x का इंटीग्रेशन e टू द पावर a x अपॉन a, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 9, ये भी एक्सटेंडेड फार्मूला है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, a टू द पावर x
का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, क्लियर। और ये नेचुरल लॉगरिथम रहेगा जिसका बेस एक्सपोनेंशियल ई होता है, क्लियर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो टी रेशियोज में दसवां फार्मूला लिख रहा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस एक्स। आपको मैं रिमाइंड करता चलूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया था वो कोस एक्स आया था, जबकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स आएगा। ये डिफरेंस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में है, आपको याद रखना है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन वो साइन एक्स आएगा, जबकि डिफरेंशिएशन अगर करें कोस का तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आया था, यहां पे कोस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स आएगा। तो ये दो टी रेशियोज के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप याद रख लेंगे। इसमें दसवें और ग्यारहवें के लिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं, तो देखिए यहां पे अगर ऐसे दे रखा हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन सबसे पहले इस फंक्शन का, इसको क्या बोला था, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो यहां पे पहले फंक्शन जो आपका फंडामेंटल फंक्शन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो ये सबसे पहले माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आएगा, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, ये बनेगा साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स, क्लियर। तो ये इस तरह से 10, 11 मैंने ये फंडामेंटल पार्ले इंटीग्रेशन के लिए बताए जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे, सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स ले लेके एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करके आप इनको क्लियर कर पाएंगे। अब हम यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मैथमेटिकल यूनिट जीरो यूनिट काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि इसमें कुछ मैथ, टोटली मैथ के ही कंसेप्ट थे इसमें, जो कुछ प्रीवियस क्लासेस थे और कुछ आपने यहाँ पे नए पहली बार पढ़े हैं, जैसे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट के साथ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है।